हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम मंजीत वर्मा। तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आ गया है यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगिन करोगे लुआस के ऊपर। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर के अपने आप को लॉगिन कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप लॉगिन हो गए एडमिशन 2020 पे क्लिक करके, और टू अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करोगे आप हेयर पे। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा, उसको आप लॉगिन करोगे वैलिडिटी फिल करके। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जगह अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक है। और फिर आप करोगे इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको सामने दिखाई दे जाएगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। इसके अंदर आपका कॉलेज है वो अलॉट मिल जाएगा आपको। इसके अंदर क्या क्या मेन बातें हैं वो देख लो आप, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ये अपना स्टूडेंट है, इसका लुआस के अंदर हो गया है मेन वेबसाइट मेन यूनिवर्सिटी के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरावेटनरी साइंस IPVS लुआस हिसार, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेन बातें क्या क्या याद रखनी है, जो प्राइवेट से हैं या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं जिनका एडमिशन हुआ है, वो सभी बातें एक बार इसको पढ़ लेना ध्यान से और देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले जो जिनका लुआस के अंदर हुआ है उनकी जो फीस है वो है, ये कितनी है, 31,870 रुपये, ठीक है। इतने रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आप किसी भी बैंक में जाके बैंक की डिटेल दे रखिए, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरावेटनरी साइंस, इसके नाम से आप DD बनवाओगे इतने रुपए का जो लुआस वाला है उसके लिए, ठीक है। और जो प्राइवेट कॉलेजों के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, जो 75,000 रुपये, देखो ये फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है, फॉर प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज द ब्रेकअप ऑफ फीस इज 75,000 रुपये। स्टेट को 60,000 है स्टेट कोटा की है, और 50,000 ये रजिस्ट्रेशन की है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, 15,000, ठीक है। तो ये टोटल 75,000 रुपये पे करनी है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए 140,000 रुपये ये है मैनेजमेंट कोटा की फीस है, 125,000 जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, और 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। तो ये टोटल है 140,000 रुपये है जो मैनेजमेंट कोटा के लिए, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सिटी के अंदर बनवाने हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पे करने हैं ये सारे रुपये। बाकी के जो पैसे जो मतलब कॉलेज ले गए या फिर किसी भी तरह से होगा वो कॉलेज के अंदर, बाकी इसमें लिख भी रखा है बैलेंस ड्यूज आर टू बी पेड एट कैंपस ऑफ प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज। जो मतलब बाकी का बैलेंस है जो अदर कॉलेजों ने आप अपने अपने लिए तय किया हुआ है, इतना बैलेंस लगेगा, इतना लगेगा, मतलब किसी कॉलेज का कितना ही है, किसी का कितना, वो बाकी का आपको कॉलेज के अंदर ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात लिख रखी है इसने इंपॉर्टेंट। और बाकी अपने सभी के सभी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे, सभी के सभी सबमिट होंगे। और दो दो उनकी सभी की फ़ोटो कॉपी करवा के दो सेट बनवा लेना, एक जो है आपका अलॉटमेंट लेटर है ये भी निकलवा लेना आप, ठीक है। और सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की आप दो दो फोटो कॉपी निकलवा के दो सेट बनवा लेना। और एक बात और ध्यान से सुन लो कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो उसके तो उनको स्कैन करवा के अपनी मेल पे डलवा लो, या फिर उनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर संभाल के रख लेना, क्योंकि ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाद में मतलब कि कई दिनों के बाद मिलेंगे, ठीक है। और या फिर अगर आपको वैसे निकलवाने हो, कोई फार्म वगैरह भरना पड़ जाए बीच में, तो आप उसको अप्लीकेशन दे के निकलवा भी सकते हो वैसे तो, लेकिन फिर भी आप ऐसा करना कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उनको या तो आप स्कैन करवा के मेल पे डलवा लेना, या फिर उनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख लेना एक एक सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, आपको आगे जाके काम आएंगे। और 28 तारीख को आपको 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कैंपस है वहाँ अपने आप पता चल जाएगा आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, ठीक है। जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो प्राइवेट से या फिर जिनका इंस्टीट्यूट में हुआ है, तो बाकी की कुछ भी जानकारी लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा सीन कर रख के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो 28 तारीख को आप वहाँ पर जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।